और अब बात करते हैं गैरसैंण में चल रहे राज्य के बजट सत्र की। तो चमोली में गैरसैंण में बजट सत्र की कार्यवाही जारी है। विपक्ष के हंगामे के बाद दोपहर 3 बजे तक कार्यवाही को स्थगित किया गया था। तो आपको बता दें कि जब सदन में सत्र की शुरुआत हुई, राज्यपाल के पॉल ने अभिभाषण दिया है। इस दौरान काफी हंगामा विपक्ष करता रहा और हंगामे के बीच ही राज्यपाल ने अपना पूरा अभिभाषण पढ़ा है। तो सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने स्थायी राजधानी गैरसैंण बनाए जाने की मांग को लेकर हंगामा किया और इस दौरान वो लगातार नारेबाजी करते रहे, जिसके चलते 3 बजे तक के लिए पहले सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था। पहली बार ऐसा हुआ है कि महामहिम का अभिभाषण और संपूर्ण बजट सत्र, इससे पहले शीतकालीन सत्र हमने भराड़ी चैन में गैरसैंण में किया है। तो मैं समझता हूँ कि राज्य का विकास और इस युवाओं को रोजगार, किसानों को आय दुगनी करना, ये आदि हमारे प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि सरकार की जो मंशा है वो सबके सामने स्वच्छ मंच तो आज और आम उत्तराखंड के विकास के लिए एक अच्छी योजना है लेकर। सरकार नए और अजूबे कई काम कर रही है, तो इस लिहाज से जो अगर वो नए और अजूबे काम, चाहे वो शराब पॉलिसी हो उनकी, चाहे गैरसैंण को राजधानी बनाने के मामले में हो, और अभी अभी मुझे ये पता चला है कि हेली भी सर्विसेज जो हमारे केदारनाथ में थी वो सेंट्रलाइज करके कंपनी को देने जा रहे हैं, तो ये अजूबे काम कर।